हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन इज द मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएचेस। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के सिंथेसिस के लिए, एटीपी एंड एनएडीपीएच के। स्ट्रोमा लैमेले, ग्रेना, स्ट्रोमा PS1 ओनली। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों जो प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे होता है? ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इससे प्रोड्यूस हो रहा है दोनों। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में एटीपी भी प्रोड्यूस होता है एज वेल एज एनएडीपीएच भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा लैमेले में। तो नहीं, स्ट्रोमा लैमेले की अगर हम बात करें वहाँ तो सिर्फ PS1 है, और यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में PS1 एज वेल एज PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, जबकि इसमें तो सिर्फ PS1 है। ग्रेना ये करेक्ट होगा क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ ग्रेना जो है यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो ग्रेना में तो ये दोनों प्रेजेंट है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो पाएगा, दोनों प्रोड्यूस होगा। स्टोमा में तो नहीं होगा, PS1 ओनली, ये तो गलत दिया है। PS1 जो है वो तो किसके लिए? सिर्फ ATP के प्रोडक्शन के लिए। जब यहाँ पे ये अकेला काम करता है तो जो ATP का प्रोडक्शन करता है, NADPS नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।